आई धनंजय यशवंत चंद्रचूड हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, साउथ ब्लॉक डिजिटल .com में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। देश के 50वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ DY चंद्रचूड ने ले ली है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में गोपनीयता की शपथ दिलवाई। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, आई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग बीन अपॉइंटेड As Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. चलिए हम आपको बताते हैं कि DY चंद्रचूड़ क्यों चर्चाओं में हैं और इनके जो कैरियर है उसे लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं। हम आपको बता दें कि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी माता प्रभा शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश धनंजय भाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को यानी 9 नवम्बर को मुख्य न्यायाधीश CJI पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें CJI के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के पवित्र गलियारों से बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं, जहां उनके पिता लगभग 7 साल और 4 महीने तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी CJI का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वे 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। चलिए वो आपको जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। सबसे पहले बात इनकी शिक्षा की करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स इन्होंने किया है। इसके बाद कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB किया और फिर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ये काफ़ी बड़ी डिग्री मानी जाती है इस क्षेत्र में। और इसके अलावा चंद्रचूड़ कई अहम पीठ का हिस्सा भी रहे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठों का हिस्सा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो जो अयोध्या भूमि विवाद का जो फैसला है उसमें भी ये रहे। IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों की स्थायी कमीशन देने की बात हो या भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले इस पूरे उसमें इनके कैरियर में शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2000 तक
बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को जून 1998 में बंबई हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था और उसी वर्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए थे। शपथ लेने के बाद चंद्रचूड़ ने क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि जस्टिस यू यू ललित के उत्तराधिकारी के रूप में उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो अच्छे काम शुरू किए वे उनको जारी रखेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस यू यू ललित के लिए आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 49वें CJI ने उल्लेखनीय नेतृत्व किया है और वो अपने कार्यकाल के दौरान न्याय तक पहुंच बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध रहे। अब आपको चलिए ये भी बता दें कि जो DY चंद्रचूड़ हैं उनका कार्यकाल कितना लंबा रहेगा, तो 2 साल तक वो इस पद पर रहेंगे। बता दें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 साल है। वे जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे जिन्होंने 11 अक्टूबर को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 17 अक्टूबर को अगला CJI नियुक्त किया था। यानी एक अहम पद पर अब DY चंद्रचूड़ अब उन्होंने उनकी शपथ ले ली है, CJI वो बन गए हैं। देश के कई बड़े फैसलों पर अब पूरे देश की नज़र उन पर रहेगी। कैसे फैसले होते हैं और क्या कुछ आने वाले समय में चंद्रचूड़ फैसले लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। साउथ ब्लॉक डिजिटल के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।